Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about introduction to photography. So let's begin. What is photography? Photography is an act of capturing a visual impression and then saving it for viewing or printing at a later stage. फोटोग्राफी का यह मतलब है कि किसी भी चीज को कैप्चर करना, उसको विजुअल इम्प्रेशन देना एंड उसको सेव कर देना ताकि हम थोड़ी देर बाद उसको देख सके या फिर हम उसको प्रिंट कर सके एट द लेटर स्टेज. इट स्टार्ट्स विद द फोटोग्राफर हैविंग अ थॉट और एन आइडिया एंड गोज ऑन टू अ ग्रेट डिमांड फ्रॉम हिम इन द एरियाज ऑफ इमेजिनेशन, इक्विपमेंट हैंडलिंग एंड वेरियस इमेजिंग स्किल्स. सेकेंड पॉइंट में हमें ये कहना चाहे कि फोटोग्राफर की जो कला होती है किसी भी चीज़ को देखने की, कि वो इस चीज़ को और सुंदर कैसे बना सकता है, उसकी जो इमेजिनिंग स्किल्स होती है पिक्चर्स को लेके, वो इस सारी चीज़ों में दर्शाया गया है कि वो अपने कैमरा जो उसका इक्विपमेंट होता है वो उसको किस तरीके से हैंडल करता है. रोल ऑफ फोटोग्राफी इन आवर लाइव्स. फोटोग्राफी कैन बी मीडियम फॉर टू थिंग्स, communicating facts and second is expressing ideas or emotions. photography की हमारी जिंदगी में दो रोल हो सकते हैं, एक किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, और सेकेंड किसी भी चीज़ को, किसी आइडिया को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए. photography can be a medium for communicating facts. For example, as you can see in this picture, in case of breakdown on a machine, photograph of the affected area can be sent to the manufacturer for asking his advisor opinion. इस फोटो में हमने एक मशीन के टूटे हुए को बताया गया है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरर को मशीन का कौन सा भाग टूटा हुआ है वो फोटोग्राफ भेजेंगे तो मैन्युफैक्चरर को इजी होगा समझने के लिए कि भाई मशीन की कौन सी चीज़ खराब हो गई है. तो शायद एक फोटोग्राफ मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम हुई है. फोटोग्राफी कैन ऑल्सो बी अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज और इमोशंस. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की शक्ल बनाई हुई है, कि अगर हम उदास होते हैं तो अगर हमारे फोटो में दर्शा जाता है कि हम उदास हो गए हैं, अगर हम खुश होते तो हमारे चेहरे पे स्माइल होती, तो उस फोटोग्राफ को देख के हम समझ सकते हैं. तो मतलब फोटोग्राफ हर तरीके की इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है. द कैप्टिव. दिस पिक्चर इज कॉल्ड कैप्टिव बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द थॉट दैट हाउ वुमेन होल्ड हिमसेल्फ कैप्टिव फॉर हिज ओन थॉट्स एंड हाउ ही क्रिएट्स द वर्ल्डली क्लटर अराउंड हिमसेल्फ. इस पिक्चर को हमने कैप्टिव कहा गया है क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि वुमेन अपने ही मेडिटेशन की पोजीशन में अपने थॉट्स, अपनी सोच को एकदम कंट्रोल कर रखा है और इतना होल्ड कर रखा है अपने आप में कि उसने अपने ही सपनों में एक दुनिया बसा ली है. द अनदर पिक्चर इज ऑफ सिडलिंग. इसमें हमें यह दर्शाया गया है कि इस फोटो में एक छोटे से बीज में भी एक जान होती है जो इस फोटो में हमें देखने को मिल रहा है. दिस लिस्ट शो सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स एंड रोल्स ऑफ फोटोग्राफी प्लेज इन अवर लाइफ. मेमोरीज एंड रिकॉर्डेड वेडिंग्स, इवेंट्स एंड फंक्शन फोटोग्राफी आर सम गुड एग्जाम्पल्स. इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आर्ट वर्क्स आर कॉपीड फॉर रिकॉर्ड एंड आर्काइवल पर्पसेस. एडिटोरियल, फोटोजर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, नेचर, वाइल्ड लाइफ, स्टिल अलाइव, पोर्ट्रेचर, ब्यूटी एंड फैशन, इंडस्ट्रियल, साइंस एंड मेडिसिन, अंडर वाटर, एस्ट्रोनॉमिकल एंड देयर कैन बी मैनी मोर टाइप्स एंड यूजेस ऑफ फोटोग्राफी. इस लिस्ट में हमें यह बताया गया है कि फोटोग्राफी के क्या क्या यूज हो सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है. जैसे मेमोरीज क्रिएट करना होता है, शादियों में वीडियोस बनाते हैं ताकि हम उसको थोड़े टाइम के बाद देखें तो वो हमारी एक याददाश्त, यादगार मोमेंट्स होते हैं. इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सब के फोटोग्राफ्स होते हैं. जैसे बर्थडे हो गया, कोई भी फंक्शंस के हम फोटोग्राफ्स लेते हैं. जैसे न्यूज़पेपर में फोटो जर्नलिज्म होता है, अपन किसी की भी चीज़ का एडवर्टाइजिंग करते हैं,
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, जानवरों के फोटोज खींचते हैं, पोर्ट्रेचर बनाते हैं, फैशन शो होते हैं, उन सब की फोटोग्राफ्स होती है। तो इस तरीके से हम फोटोग्राफी के बहुत सारे यूजेस ले सकते हैं अपनी लाइफ में। लाइफ बिफोर इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी, क्या रही होगी जिंदगी जब हमारे लाइफ में फोटोग्राफी नहीं थी। राइट फ्रॉम द स्टोन एज मैन हैज़ बीन अवेयर ऑफ इमेजेस बट ही हैड नो मीन्स टू कैप्चर दिस इमेजेस इन ऑर्डर टू शेयर विद अदर और टू व्यू देम लेटर। फोटोग्राफी स्टोन एज के टाइम से है, पर उस टाइम भी लोगों के पास कोई मीन्स नहीं था कि उन उन फोटोज़ को कैप्चर कर सके या फिर थोड़े टाइम के बाद देख सके या किसी और के साथ शेयर कर सके। हाउएवर ही वॉज कीन ऑन प्रिजर्विंग दिस इम्प्रेशन एंड हिज थॉट। ही डिड दिस बाय कार्विंग फिगर्स ऑन स्टोन और अदर सरफेस। ही क्विकली लर्न टू ड्रॉ स्केचेस। सो जब स्टोन एज में फोटोग्राफी का कोई माध्यम नहीं था तो उन्होंने स्केचेस बनाना स्टार्ट किया। तो वो स्केचेस वो पत्थरों पे बनाते थे, इस तरीके से वो कोई भी सरफेस होता था उनके ऊपर स्केच करने लग जाते थे, ड्राइंग करने लग जाते थे। इस तरीके से उन्होंने उस टाइम पीरियड में स्टोन एज में उन्होंने बहुत ही जल्दी ड्राइंग बनाना सीख लिया था। बाय द पैसेज ऑफ टाइम देयर इमर्ज्ड अ कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट हु ड्रू स्केचेस एंड पेंटेड इन द डिटेल्स यूजिंग कलर्स और अदर सूटेबल मीडियम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने ड्राइंग बनाना सीख लिया यानी कि स्केचेस, और वो पेंट करने भी लग गए थे और उन्होंने कलर का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। आर्टिस्ट यूज द प्रिंसिपल ऑफ कैमरा ऑब्सक्यूरा टू हेल्प देम ड्रॉ क्विकली एन ऑथेंटिक स्केच ऑफ अ सीन। उस दौरान पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया, उसका नाम था कैमरा ऑब्सक्यूरा। उस तकनीक से वो लोग बहुत ही जल्दी फोटोज बनाने लग गए थे। द सेम प्रिंसिपल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिन होल कैमरा विच बिकेम वेरी पॉपुलर। और जब पिन होल कैमरा को बनाया गया तो उसमें कैमरा ऑब्सक्यूरा की तकनीकी को इस्तेमाल करके बनाया गया था। कैमरा ऑब्सक्यूरा द आर्टिस्ट यूज टू बिल्ड सम काइंड ऑफ एनक्लोजर और यूज डार्केंड रूम विद अ स्मॉल ओपनिंग और अ होल इन द वॉल facing his subject. An inverted image of the subject would be formed on the opposite surface of the enclosure. The artist could then easily draw the subject sketch. कैमरा ऑब्सक्यूरा में ये था कि एक आर्टिस्ट बंद कमरे में एक छोटा सा होल करता, उस होल से उसका जो भी सब्जेक्ट होता वो ऑपोजिट वॉल मतलब सामने वाली दीवार पे वो उल्टा हो जाता। उस तकनीकी से जो भी आर्टिस्ट होता वो फटाफट अपनी इमेज ड्रॉ कर सकता था। पिन होल कैमरा, द पिन होल कैमरा इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कैमरा। इट डज नॉट हैव अ लेंस, इट जस्ट मेक यूज ऑफ अ टाइनी ओपनिंग, अ पिन होल साइज्ड ओपनिंग टू फोकस ऑल लाइट रेज विद इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया टू ऑब्टेन एन इमेज एज क्लियरली एज पॉसिबल। The simple image form using a pinhole camera is always inverted. Pinhole camera और camera obscura की तकनीक एकदम same है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक darkened room है, उसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें से रोशनी आ रही है और वो subject opposite wall पे automatically inverted हो जाता है यानी कि उल्टा बन जाता है। That is called pinhole camera. सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में हमने वॉट इज़ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का अपनी लाइफ में क्या रोल है, इन सब के बारे में पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।